झारखंड के चतरा जिला से एक बड़ी खबर सामने आई है। चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड स्थित वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के गणेशडीहा गांव में अंग्रेजी शराब के दो बंकरों का उद्भेदन हुआ है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने दोनों बंकरों को ध्वस्त कर दिया और शराब की पेटियों को भी नष्ट कर दिया है। इस कार्रवाई को चतरा जिला के उत्पाद विभाग के द्वारा अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बता दें कि बिहार में शराबबंदी के बाद से झारखंड के कई जिलों से शराब की तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिसे लेकर झारखंड का उत्पाद विभाग और पुलिस प्रशासन जगह जगह छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में उत्पाद अधीक्षक शिव प्रसाद साहू के नेतृत्व में हंटरगंज प्रखंड के गणेशडीहा गांव में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 400 शराब की पेटियां बरामद की गई हैं। साथ ही गणेशडीहा गांव में तस्करी के लिए बनाए गए दो बंकरों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया है। छापेमारी के क्रम में संजय भुइया और उपेंद्र यादव के घर से शराब की पेटियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा जंगल के स्थान से 170 पेटी शराब बरामद की गई है। उत्पाद अधीक्षक शिव प्रसाद साहू ने बताया कि इन बंकरों से शराब की तस्करी बिहार के अन्य जिलों में की जाती थी। बता दें कि उपेंद्र यादव पर उत्पाद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के बाद शराब तस्करों में हड़कंप है। छापेमारी के दौरान किसी तस्कर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए विभाग और पुलिस प्रशासन सक्रिय होकर लगातार छापेमारी कर रही है।